मैंने उससे बिल्कुल भी बात नहीं की। अच्छा किया ना? करनी है तो करो, नहीं करनी ना करो, आई रियली डोंट केयर। एक तो आपका भी कुछ पता नहीं चलता। उस दिन खुद उसे घर आने की इजाजत दी और बाद में मैंने बात की तो कहने लगे कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। रात को बगैर बताए उसे कमरे से निकाल दिया, ये भी नहीं बताया कि वो जाए कहाँ। कहाँ सोई वो? मॉम के रूम में। मॉम सुबह पूछ रही थी मुझसे कि उसका बेड कहाँ लगाऊं। मैंने तो मना कर दिया, लेकिन अगर अब आपको कोई एतराज़ नहीं है तो मैं उसका बेड अपने कमरे में ही लगवा लेती हूँ। वहां कैसे सोएगी वो? वहां तो सिर्फ एक डबल बेड है तुम्हारा। हाँ तो और कहाँ सोए, तुमने भी उसे अपने कमरे में सोने से मना कर दिया। मामा ने बात की उससे? हाँ, बड़ी साइड ले रही थी उसकी, लेकिन मैंने कह दिया मत भूलिए किसने आपके बेटे को धक्का दिया था। मामा को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। पड़ता तो होगा, वो इस चक्कर में दुबई जो नहीं जा पाए। नहीं तो चली जाए ना फिर, मैंने कौन सा रोका है? कि मुझे तो तुम्हारी भी शादी करा देनी चाहिए, तुम भी चली जाओ, मुझे तुम में से किसी की जरूरत नहीं। हाँ जरूरत क्यों होगी, बीवी जो आ गई है तुम्हारी। कौन बीवी? ये मायरा? अपना गिल्ट दूर करने के लिए शादी की है इसने मेरे से, और कुछ नहीं। जिस दिन इसका गिल्ट खत्म हो जाएगा ना, ये खुद चली जाएगी, तुम देख लेना। नफरत करते हो तुम मुझसे भाई। मैं उसे कुछ नहीं करता, वो मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है अगर मॉम की उसे दोस्ती हो रही है तो? यार आई डोंट गिव अ डैम कौन उसे बात कर रहा है। यार मुझे प्लीज डिस्टर्ब मत करो। नाश्ता क्यों नहीं लेके आया वो अभी तक? रुस्तम को आज नाश्ता बनाने से मना कर दिया गया है। मायरा के फूफा फूफी आ रही है नाश्ता लेकर, प्लीज उनसे अच्छे से पेश आना। व्हाट द हेल मैन, मेरे से नहीं पूछना किसी ने? रुस्तम,